हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी है। बीजेपी दावा कर रही है कि वो जीत की हैट्रिक लगाने जा रही है, तो कांग्रेस का दावा है कि 8 अक्टूबर को हरियाणा की जनता उसके राजतिलक का मन बना चुकी है। लेकिन इस सब के बीच हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी युद्ध छिड़ गया। दरअसल केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शैलजा को बीजेपी में आने का ऑफर दे दिया। बीजेपी कुमारी शैलजा के बहाने कांग्रेस पर दलितों के अपमान का आरोप लगा रही है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी हमारे घर में झांकने की जगह अपना घर देखे। इस रिपोर्ट से आइए समझते हैं हरियाणा चुनाव में दलित फैक्टर क्या कहता है। क्या मैं इस वक्त अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो अगली मुख्यमंत्री के साथ बैठी हुई हूँ? हाईकमान तय करेगा। हाईकमान तय करेगा। हरियाणा कांग्रेस की दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा इस बार पूरे मन से कांग्रेस का प्रचार नहीं कर रही। दरअसल हरियाणा कांग्रेस में चुनाव से पहले सियासी खींचतान चल रही है। कुमारी शैलजा भी सीएम पद की इच्छा जता चुकी है, लेकिन शैलजा की कथित अनदेखी को बीजेपी ने दलितों के अपमान से जोड़ दिया है। कुमारी शैलजा दलित नेता है, बड़ी नेता है, और कांग्रेस पार्टी दलितों को देख करके कि ये क्यों बड़ा हो गया, उसका शोषण करते हैं, उसको दबाने का काम करते हैं, उसकी आवाज दबाने का काम करते हैं। पहले अशोक तंवर की दबाई, अब शैलजा की बारी है, अब शैलजा की आवाज दबाने में लगे हुए हैं। मौके की नजाकत को देखते हुए केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुमारी शैलजा को बीजेपी में आने का ऑफर दे दिया है। आपकी कोई बातचीत हुई है क्या? आप कह रहे हैं सारी बातें पब्लिक मंच पर नहीं बोलनी चाहिए। कोई बात नहीं हुई ना मेरी कोई इस प्रकार की उनकी। हाँ हुई, मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि जो पीड़ा उनको वहाँ है वो वहाँ रहेंगी नहीं रहेंगी ये उनके ऊपर, लेकिन उनको जरूर लगना चाहिए कि अगर वहाँ वो नहीं रहती तो उनका हाथ पकड़ने वाला कोई है। लेकिन हरियाणा पंचायत के मंच पर जब कुमारी शैलजा और दीपेंद्र हुड्डा आए तो सुनिए दोनों ने गुटबाजी और सीएम कैंडिडेट के बारे में क्या कहा। कांग्रेस पार्टी को पता है, मेरे नेतृत्व को पता है, और हमारे कांग्रेस एक एक कांग्रेस जन जानता है कि शैलजा कभी कांग्रेस नहीं छोड़ सकती। तो भाजपा अपना अपना घर देखे, अपना रास्ता खुद देखे, क्योंकि भाजपा डिक्लाइन पर है। शैलजा जी हमारे सबके लिए बहुत सम्मानित कांग्रेस पार्टी की एक नेता है, उनका बहुत योगदान रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए हरियाणा के अंदर, और हम सब उनका सम्मान करते हैं। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी शैलजा की नाराजगी की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि पार्टी में ऑल इज वेल है। मत बन रहा है कि ज्यादातर जो टिकट वितरण है उसमें आप ही की चली है, आपने सब कुछ डिसाइड किया है, और इस वजह से कुमारी शैलजा थोड़ी सी नाराज है, आप उनसे क्या कहेंगे? देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, व्यक्ति की बात नहीं है, पार्टी ने टिकट दी है, वो जो है ना जिताऊ और टिकाऊ को दिया है, कांग्रेस पार्टी की टिकट है वो। पर उनकी नाराजगी क्या गले की फांस बन रहा है? वो मैनिफेस्टो रिलीज वाले दिन भी नहीं आई, वो चुनाव प्रचार में भी नहीं जा रही है। कोई जरूरी नहीं है, सब जगह सब जाएंगे, वो चुनाव प्रचार में भी जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम और जेजेपी अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला ने भी कुमारी शैलजा के बहाने कांग्रेस को घेरा। आपको क्या लगता है, क्या कुमारी शैलजा की महत्वाकांक्षाएं सही है, क्योंकि वो सीएम के लिए दावेदार अपने आप को मानती हैं? बनना चाहिए, किसी पार्टी में किसको रोक किसको है। भूपेंद्र हुड्डा कैसे बने थे इतिहास पता है आपको? ये तो कांग्रेस का कल्चर रहा है, और ये सूत आएगी शैलजा जी की, आज नहीं तो कल आ जाएगी। वही बीजेपी के सभी बड़े नेता कुमारी शैलजा के बहाने कांग्रेस पर दलितों के अपमान का आरोप लगा रहे हैं। एक कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी पार्टी, दलित नेताओं का अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, चाहे डॉक्टर अशोक तंवर हो, चाहे बहन कुमारी शैलजा हो, सबका अपमान कांग्रेस ने किया है। ये लोग हमारी चिंता बहुत कर रहे हैं, उनकी चिंता पहले करने दो ना। वहां इतना फूट हो रहा है, इतने लोग छोड़ के चले गए, बहुत से लोग पार्टी छोड़ के इंडिपेंडेंट ठहरे, पहला अपना घर संभालो, बाद में हमारे घर की हमारे नेबर की चिंता करो। कुमारी शैलजा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग जारी है। जिस तरह से हुड्डा जी के समर्थकों ने कुमारी शैलजा जी को
बार बार अपमानित किया। ये अपने आप में दिखाता है कांग्रेस ने मन बना लिया है। जैसे राहुल गांधी जी ने कहा कि आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, मुझे लगता है यहाँ से कांग्रेस दलितों का नेतृत्व ही खत्म करना चाहती है। अगर उनके मन में थोड़ी सी भी आशंका है कि हम उन्हें अपनी पार्टी में ले लेंगे खट्टर साहब को, तो गलत है, हम नहीं लेंगे। हमारे दरवाजे खट्टर साहब के लिए बंद है, हम जानते हैं वो दुखी हैं भारतीय जनता पार्टी। अब हरियाणा में दलित समीकरण को समझिए। हरियाणा में करीब 20% दलित मतदाता है। हरियाणा में दलितों के लिए 17 विधानसभा सीट रिजर्व है। पिछले विधानसभा चुनाव में इन 17 रिजर्व सीटों में बीजेपी ने 15 जीती थी, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 2 आई थी। बीजेपी का वोट प्रतिशत भी 55 से ज्यादा था। वहीं 20% से ज्यादा दलित आबादी वाली सीटों की बात करें तो यहां भी बीजेपी का दबदबा रहा। ऐसी 47 सीटों में से 44 सीट बीजेपी के खाते में गई थी, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली थी, जबकि 1 सीट अन्य के खाते में गई थी। यही वजह है कि बीजेपी दलितों के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है। वहीं इस बार बीएसपी और भीम आर्मी की एंट्री ने हरियाणा के रण को और रोचक बना दिया है। मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। पंचायत आशक हरियाणा के मंच पर कुमारी शैलजा भी आई। हमारी साथी अंजना ने कुमारी शैलजा से कांग्रेस से उनकी कथित नाराजगी और मुख्यमंत्री कैंडिडेट के बारे में हर जरूरी सवाल पूछा। बीजेपी में शामिल होने के ऑफर पर शैलजा ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। हरियाणा पंचायत आज तक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जो 6 बार से सांसद हैं, बहुत कम उम्र में जिन्होंने राजनीति में प्रवेश किया, कांग्रेस पार्टी को अपना पूरा राजनीतिक जीवन एक तरह से जिन्होंने दिया है। सिरसा से कांग्रेस पार्टी की सांसद, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदस्य, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरियाणा की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी का बहुत बहुत स्वागत है पंचायत आज तक। धन्यवाद। मैम, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि लोकसभा चुनाव में 10-0 के स्कोर को कांग्रेस पार्टी ने 5-5 कर दिया। अब इस बार के विधानसभा चुनाव में लोग ऐसी अटकलें लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति मजबूत है। आपको क्या लगता है कितनी सीटें आती हुई आप देखती हैं? सीटें तो देखिए, क्योंकि चुनाव चल रहा है तो स्थिति उसी तरह से आगे बढ़ती जाती है, लेकिन ये मैं जरूर कह सकती हूँ कि कांग्रेस पार्टी 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 90 की 90 सीटों पर जीतने के लिए जीतने के लिए लड़ रही है। ये जीतने के लिए आफ्टर थॉट था क्या? नहीं, 90 हाँ। तो वैसे तो है ही, क्योंकि एक सीपीएम को सीट दी हुई है। किन मुद्दों पर आपको लगता है कांग्रेस पार्टी इस बार, अगर जवान, किसान, पहलवान के मुद्दे पर वो चुनावी अखाड़े में उतरे हैं, आपको लगता है कि ये वो लोकसभा के चुनाव अलग होते हैं, विधानसभा सभा में स्थानीय मुद्दे ज्यादा मैटर करते हैं, तो क्या यही प्रभाव इन 3 मुद्दों का इस बार के चुनाव में आप देख रही हैं? ये भी है और इससे और ज्यादा है, ज्यादा नीचे लोकल इश्यूज भी हो जाते हैं। अब आप जहां बैठे हैं, हम हरियाणा में गुड़गांव ले लीजिए, एनसीआर रीजन ले लीजिए, आप यहाँ शहरों को देखिए कि जो एक उम्मीद थी मिलेनियम सिटी में हम हैं, लेकिन यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए। तो लोकल मुद्दे हैं, बहुत सारे हैं, सड़कों पर खड्डों में से यहाँ पर हम आए हैं, तो छोटी छोटी बातें जो लोगों को लगती हैं, लेकिन जो आम लोग हैं, जो जनता वहाँ बस रही है, उसके लिए बहुत बड़े मुद्दे हो जाते हैं। देखिए, आपको कांग्रेस के एक बहुत जुझारू नेता के तौर पर जाना जाता है कि कुमारी शैलजा का मतलब है वो जमीन पर उतरती हैं, सोशल मीडिया पर ताबड़तोड़ वीडियोज डालती हैं, कार्पेट बॉम्बिंग करती हैं, लेकिन 13 सितंबर के बाद आपके ट्विटर अकाउंट पर कोई वीडियो जारी नहीं हुआ है। हमने पूरा आपका ट्विटर अकाउंट खंगाला है रिसर्च में। 18 सितंबर को जो घोषणा पत्र हुआ, उसके बाद से आपने गारंटीज बस डाल दी। कुमारी शैलजा क्या कांग्रेस पार्टी की परिस्थितियों से नाराज है? नहीं, नाराजगी की बात नहीं है, लेकिन कुछ बातें तो हो जाती हैं, अंदरूनी बात होती है तो उसका, लेकिन उसका इससे कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है, हम सब बढ़ रहे हैं, कांग्रेस के लोग बढ़ रहे हैं और हरियाणा के लोग भी कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। केवल 2-4 दिन की बात नहीं होती, आपने जो कहा, जमीन पर हमने काम किया है और आज के दिन जो स्थिति है हरियाणा में और सारा देश, सारा मीडिया बोल रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन ये बात एक सच्चाई है क्या, 70 से 75 सीटों पर जो उम्मीदवार भूपिंदर हुड्डा चाहते थे उनको तो टिकट मिल गया, लेकिन कुमारी शैलजा के हिस्से में सिर्फ
सात आठ उम्मीदवार आए। चलो अब इसमें हिस्सेदारी भी क्या करें, जो भी है अंत में उस पर कांग्रेस पार्टी का ही ठप्पा होता है। ठीक है, अपनी अपनी सिफारिश या हम कहीं रिकमेंडेशन हम दे सकते हैं, सभी देते हैं, अंत में किसका क्या होता है और किस्मत किसकी जागती है वो भी बातें हैं। तो ये कुछ चीजें होती हैं पार्टी में और ये हर चुनाव में होती हैं। पर आप तो ढक्कन लगा रही हैं, बता नहीं रही हैं। थोड़ा ढक्कन तो लगाना भी पड़ता है पार्टी के लिए। कुमारी शैलजा जी, आपको आपको भी लगता होगा कि मैं सीएम क्यों नहीं बन सकती? एक ही आदमी जो कि पहले भी कई बार रह चुका है, वही क्यों, उसका ही दबदबा क्यों हरियाणा की पॉलिटिक्स में लगा? ये बात तो आपको कचोटती है ना? इसमें मैं नहीं आता। व्हाट इज शैलजा? शैलजा ठीक है, नाम है, लेकिन शैलजा की एक जर्नी है, एक कुछ लोग हैं जैसे जो साथ लगे हुए हैं और तीन पीढ़ी हमें भी हो गई यहाँ तक पहुँचने में। तो सिर्फ शैलजा की बात नहीं, लेकिन जैसा मैंने कहा, केवल अपने लिए नहीं होता, पूरे समुदाय के लिए एक नई सोच लाने के लिए और हरियाणा में एक अपना विजन लाने के लिए सबकी इच्छा हो सकती है, उसमें मेरी भी इच्छा थी, तो उसमें है भी, अभी भी। मैं ये थोड़ा ही कहूँगी कि नहीं है, बिल्कुल इच्छा है। सिर्फ दलित समाज की नहीं, आपको लगता है कि महिला के तौर पर अगर देखें तो एक ही मुख्यमंत्री अभी पूरे देश में है, ममता बनर्जी, जो एक महिला आतिशी अभी बनी, अब आतिशी दिल्ली की बनी है। अब तीसरा मौका क्या आपको, हालांकि वहां पर तो उस पर मैं चर्चा करूंगी कि वो कितना काम संभालेंगी और कितना, मतलब क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा है मैं भरत की तरह इस कुर्सी को रखना है, ये कुर्सी केजरीवाल जी की, वो बात की बात है। लेकिन आपका मन कचोटता है कि एक महिला को, एक दलित समाज की महिला को, लगभग 20-21% दलित वोटर्स हैं यहाँ पर, उनको कहीं पर साइडलाइन किया जा रहा है? नहीं, मैं कहती हूँ कि ये तो एक चीज है, ये जैसा मैंने कहा, दिस इज अ जर्नी, एक ये रास्ता है। तो ठीक है, एक चुनाव में अगर मुझे टिकट नहीं मिली तो उसका ये मतलब नहीं है कि मेरा वजूद खत्म हो गया है या हमारे लोगों की जो सोच है वो खत्म हो गई है, ऐसा नहीं है। अब ये संघर्ष है, संघर्ष जारी रहेगा, उसमें कौन सी बात है। तो और मैं हमेशा कहती हूँ आपको, मैं बोलूँगी कि और साथियों को भी जो भी राजनीति में आते हैं, कि ये मत समझिए कि आपकी राह आसान होगी। राजनीति संघर्ष है, कोई ये 9 to 5 जॉब नहीं है, वरना सिक्योर जॉब चाहिए तो 9 to 5 जॉब करो, ये तो संघर्ष है और इसमें आगे चलते रहना पड़ता है और अपना रास्ता बनाना होता है। मुझे गर्व इस बात का है, आपका भी धन्यवाद करती हूँ कि आपने पहचान की मेरी, कि आज हमारी पहचान बनी है, यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ये भी कोई अपने आप में कोई छोटी बात नहीं। बल्कि हम तो आभार आपका देते हैं कुमारी शैलजा जी की, ऐसी विवादों के बीच में ज्यादातर लोग अपने घर में रहते हैं, पर आपने कहा कि हम ने कमिट किया है तो हम जरूर आएंगे पंचायत में। अब बीजेपी वाले इसको असल लपक रहे हैं, वो कह रहे दलित नेता का अपमान हुआ है जिन्होंने लगभग 3 दशक से ज्यादा पॉलिटिक्स को अपना कांग्रेस पार्टी को दिया। मनोहर लाल जी आपको खुला ऑफर दे रहे हैं। ऐसा है, भाजपा मेरा, मैं समझती हूँ इनके काफी नेताओं से जो आज टिप्पणी कर रहे हैं उनसे ज्यादा लंबा राजनीतिक जीवन मेरा रहा है, तो मुझे नसीहत ना दें, मैं अपना रास्ता और मेरी पार्टी मेरा रास्ता खुद तय करना जानते हैं और हम करेंगे, मजबूती से चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्या मैं इस वक्त अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो अगली मुख्यमंत्री के साथ बैठी हुई हूँ? हाईकमान तय करेगा। हाईकमान तय करेगा। हाईकमान से अपनी तरफ से कोई आप रिज्यूमे सामने डालना चाहें? सब मेरी, मेरा राजनीतिक जीवन खुली किताब है, सब जानते हैं, मेरे साथी हरियाणा के लोग सब जानते हैं, मेरा जीवन खुली किताब है। धीरे से रिज्यूमे पकड़ा दीजिए अपना। आपने पकड़ा दिया। कुमारी शैलजा जी, आप मंच पर आई और पंचायत आज तक में आपने हर सवाल का जवाब दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे। थैंक यू, बहुत धन्यवाद, थैंक यू।